इतनी किसी की हिम्मत नहीं है, इतना किसी को हमने छूट नहीं दिया है, मेरे पति और मेरे परिवार में से किसी ने भी, कि कोई और मेरे पे हाथ उठाए या कुछ भी, हाथ उठाना क्या, कोई ऐसे नज़र उठा के बात भी अगर कोई बाहर वाले कर देगा ना, उसी दिन मेरे पति और मेरे सास ससुर उनको बीच में से। तीन मंगलसूत्र हो गया है, एक दो और एक मैंने ये पहना हुआ है, तीन मंगल। सो माँ के बिना घर अधूरा होता है और सास के बिना, वही वाला हिसाब है। पता नहीं लोग कैसे रहते हैं जहाँ पे सास ससुर, बहुत सारी लड़कियाँ हैं आज भी जिनकी इच्छा होती है कि उनकी सास ना हो ससुर ना हो, बट हम बताएं ना सच में तो बिना सास ससुर के घर एकदम सूना है, अधूरा है, लगता ही नहीं है कि घर में है कोई, और सब कुछ खाली खाली सा लगता है। आई नो सबकी सास एक जैसी नहीं होती है, हमारी बहुत अच्छी है, हो सकता है इसीलिए हम ऐसा सोच है हमारी। सो बस किचन में खाना बना रहे हैं। मम्मी के बिना ये पूरा घर इतना खाली खाली, इतना अजीब सा लग रहा है। और आज तो पतिदेव भी नहीं आए हैं ऑफिस से, और पता है तो कितना टाइम हो गया, 10 नहीं 10 नहीं बजे, 8:30 हो रहा है, 10 कह रही हूँ, 8:30 या 9 बज रहे हैं, और पापा ये भी नहीं आए, पापा जी भी नीचे बैठे हुए हैं, पूरा घर एकदम खाली खाली सा लग रहा है। अभी मैं किचन में हूँ, खाना बना रही हूँ, मैंने सोचा ब्लॉग को स्टार्ट कर लेते हैं। आज जब एक किसी टाइम पे एकदम से खूब तैयार हो जाओ ना, तो उसके आने वाले 2-4 दिन तक कुछ भी करने का मन नहीं करता, ऐसा लगता है बिल्कुल सिंपल सा रहो। बिंदी मेरे भी इधर उधर हो गई, मैं जा रही हूँ लगा लेने। और गाइज मेरे लास्ट ब्लॉग में जब मैंने व्रत के नेक्स्ट डे ना हेयर वॉश कर लिया था, तो काफ़ी लोगों ने कमेंट किया था कि आपने गलत किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो सच में मुझे नहीं पता था। थैंक यू सो मच, आपने मुझे बताया, मैं नेक्स्ट टाइम से पक्का ध्यान रखूंगी, मैं हेयर वॉश नहीं करूंगी। एक्चुअली हेयर वॉश करने का ना रीज़न था, बाल में हीट लगा था, और आपको पता है मैंने स्मूदनिंग करा रखी थी और स्प्रे हुआ था, तो अगर वो मैं नेक्स्ट डे नहीं मतलब करती ना, और अगर ऑयलिंग कर लो तो वो चीज़ थोड़ी सी ठीक हो जाती है, बट ऑयलिंग मुझे अलाउ नहीं है स्मूदनिंग की वजह से, तो मुझे ऑयलिंग नहीं करनी थी, तो मुझे इसलिए हेड वॉश करना पड़ा ताकि वो जो स्प्रे वगैरह वो निकल जाए, क्योंकि बाल ना बहुत ऐसे खड़े खड़े से लग रहे हैं। आज आपकी मम्मी नहीं है तो आप 8 बजे आ रहे हो ऑफिस से? हाँ, बीवी भी तो है, आगे मेरे पति देव, तो इसीलिए मुझे पता नहीं था और मैंने हेड वॉश कर लिया था, बट मैं नेक्स्ट टाइम पक्का ध्यान रखूँगी। तो खाना पीना बनाया, और ये रोज का मेरा रूटीन है, सोने से पहले धर्मी को फुल कपड़े, क्योंकि एसी में सोना होता है तो रात को वो ओढ़ती नहीं है ठीक से, तो फिर तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो मैं वहाँ पे उसको कपड़े बना रही थी, तो पतिदेव ने थोड़ी सी क्लिप रिकॉर्ड कर दी थी, क्योंकि वो इतनी बदमाशी कर रही है, थोड़ा क्या ही बताऊँ। साफ कर लेते हैं, बहुत सारे लोग इस चीज़ से बहुत इरीटेट होते हैं जब कैमरा मैं एकदम से क्लीन करती हूँ तो। सो गाइज, सुबह सब लोग ऑफिस चले गए, नाश्ता वगैरह बन गया, और अभी मैं नहा के आई हूँ जस्ट, और मैंने ये वाली ड्रेस पहनी है, कुर्ता ही है लॉन्ग बट बहुत प्यारा है, मैं भी आपको दिखाऊंगी। तो आज मुझे करना है बहुत सारा काम, बहुत सारे रील्स, बिकॉज काफ़ी काम पेंडिंग हो गया था फेस्टिवल में, और साथ में इसी ब्लॉग में मैं आज आप सभी के साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर भी करने वाली हूँ, जो मेरे को गिफ्ट मिला है तीज गिफ्ट, उसको लेके काफ़ी नेगेटिव कॉमेंट्स भी है, काफ़ी पॉजिटिव कॉमेंट्स भी है, तो उनके रिप्लाई भी करने वाली हूँ। एक कमेंट जो मेरे चैनल पे बार बार घूम फिर के आ रहा है, जो मैं काफ़ी टाइम से देख रही हूँ, सो उस कमेंट का जवाब देना भी है मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट, बिकॉज कुछ लोगों के मन में गलत फहमी पैदा हो गई है, और सो उसको दूर करना ज़रूरी है। तो पहले चलते हैं, रेडी हो जाते हैं और रील्स वगैरह शूट करने के लिए, उसके बाद मिलती हूँ मैं आप लोगों से। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ मामा अर्थ के कुछ न्यूली शेड्स, जो अभी कुछ टाइम पहले ही लॉन्च हुए थे, एंड आप सभी लोग मेरी लिपस्टिक्स के शेड जानने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा आपको बेसब्री से इंतजार होता है कि इस लिप शेड का ज़रूर बताना। काफ़ी लोग तो नाराज़ भी हो जाते हैं कि इतने टाइम से आपसे लिप शेड पूछ रहे हैं, आप बता क्यों नहीं दे हो। सो गाइज, मैं आपको दिखा दूँ, तो ये मेरे पास कुछ 8 शेड है ममा अर्थ का मॉइस्चर मैट लॉन्ग स्टे लिपस्टिक, जो कि काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग स्टे करते हैं आपके लिप से। आजकल आप जो भी देख रहे हो ना मेरे को लिप शेड लगाए हुए, चाहे वो न्यूड हो चाहे वो डार्क हो, सारे यही है, इन्हीं में से शेड्स हैं। तो एक एक करके मैं आपको स्वेचेस भी दिखाऊंगी, साथ में इसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया गया है वो भी बताऊंगी, साथ में क्यों आपको ममा प्रोडक्ट बाय करना चाहिए वो भी बताऊंगी सारी चीज़ें। एंड सच में क्या ये वाटरप्रूफ है, लॉन्ग स्टे करता है, बार बार टचअप करने की ज़रूरत पड़ती है, ये सारी चीज़ें। तो वीडियो में आप आगे बढ़िए, चलिए एक एक करके सारे शेड्स दिखाते हूँ आपको पहले। सो गाइज, मेरे पास है ममा अर्थ मॉइस्चर मैट लॉन्ग स्टे लिपस्टिक, 8 शेड है, 12 आवर्स तक लॉन्ग स्टे करता है, नरिश करता है आपके लिप्स को, एंड इनरिच्ड है
बहुत सारे गुडनेस से एवोकाडो ऑयल एंड विटामिन ई, जो कि है मॉइस्चराइजिंग के लिए बेस्ट, काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, नॉन ड्राइंग फॉर्मूला के साथ मिलता है, आपको बहुत कंफर्टेबल फील कराता है ये लिपस्टिक, साथ में डेली बेसिस के लिए बेस्ट है। इसमें कोई भी टॉक्सिन एंड हार्मफुल केमिकल का यूज़ नहीं किया जाता है, सो एवरी डे के लिए बेस्ट है। चलिए अब एक एक करके मैं आपको स्वेचेस दिखाती हूँ। 8 शेड के स्वेचेस हैं, वैसे तो इसके बहुत सारे शेडेस हैं, बट अभी मेरे पास 8 शेड अवेलेबल हैं। इसका जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है एवोकाडो ऑयल एंड विटामिन ई। जो एवोकाडो ऑयल होता है वो मॉइस्चराइज करता है आपके लिप्स को एंड एंटी ऑक्सीडेंट बेनिफिट्स देता है। विटामिन ई है वो हेल्प करता है प्रिवेंट पिगमेंटेशन को। एंड आपको पता है इतनी क्यूट सी पैकेजिंग है ना, कि आप इसको कहीं से कहीं लेके आराम से ट्रेवल कर सकते हो। जब आपका मूड हो रेड लगाओ, जब आपको और मूड हो पिंक लगाओ, सारे ही शेड बिल्कुल डिफरेंट एंड अलग है, अलग ही लुक क्रिएट करते हैं। जब आप लगाओगे ना तो आपको इतने ज़्यादा हाईली पिगमेंटेड लगेंगे कि आप इसके फ़ैन हो जाओगे। मैं खुद हो गई हूँ। इतनी ईजली आप इसको लगा पाओगे, मतलब ऐसा होता है ना, कई ऐसी लिपस्टिक होती है इधर फैलती हैं उधर फैलती है, लगाने में कंफर्टेबल फील नहीं होता है, बट इस लिपस्टिक के साथ आपको ऐसा नहीं होने वाला है। आप काफ़ी कंफर्टेबल फील करोगे इसको यूज करोगे। तो स्वेचेस तो देख लिया, अभी बारी आती है हैंड स्वेचेस की, एंड आपको मैं वाटरप्रूफ है यानी इसका दिखाती हूं। सो मैंने आपको यहां पे वाटरप्रूफ टेस्ट भी दे दिया, साथ ही मैं आपको ये भी दिखाऊंगी कि मैंने खाना पीना खाया, बहुत सारे काम किए, बट जो लिपस्टिक है स्टिल मेरे लिप्स पे टिकी रही है। एंड गाइस आपको पता है ट्रेवल फ्रेंडली है, बिकॉज काफी छोटे छोटे इस तरीके से पैक है, तो आप आराम से इसको कहीं भी रख के ट्रेवल में कैरी कर सकते हो। एंड मेल्ट नहीं होता है, फैलता नहीं है, सबसे अच्छी चीज ये है। ये जो लिपस्टिक है मतलब काफी अच्छे से लग जाता है। एंड अभी तो मेरे हाथ में मेहंदी लगी हुई है, बट मैं कैसे दिखाती हूँ आप लोगों को, जरा सा जहाँ से मेहंदी ना हो, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बिल्कुल ट्रांसफर नहीं होता है हैंड पे, है ना, तो काफी ज्यादा। मैं और आपको बता दूं, अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करते हो NICU2023 तो आपको एक्स्ट्रा 20% का डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही ममा अर्थ ने ऐप भी लॉन्च कर दिया है उस। एंड गाइस आप इसको ले कहां सकते हो, आप Amazon, Nykaa, Flipkart से आप ले सकते हो, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। साथ ही ममा अर्थ के अगर इनिशिएटिव की बात करें, प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव, जिसके तहत जब भी आप ममा अर्थ से कोई भी प्रोडक्ट परचेज करते हैं तो ममा अर्थ आपके ऑर्डर को एक ट्री से लिंक करते हैं, जो कि प्लान करते हैं आपके बिहाफ पे, है ना, अमेजिंग डील। साथ ही ममा अर्थ का एम है 2025 तक 1 मिलियन ट्रीज को प्लांट करने का। सेकंड में चीज आपको बता दूं, ममा अर्थ के ऑफलाइन प्रेजेंस, आप अपने घर के आसपास देखोगे तो आपको ममा अर्थ के स्टोर्स भी नजर आएंगे। सो है ना अमेजिंग डील, एंड इतने प्यारे प्यारे शेड्स हैं, बिल्कुल हाथ से जाने मत दीजिएगा, जल्दी से ये डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, अपने लिए आपको अपना फेवरेट शेड बाय कर सकते हो। स्क्रीन पे मैंने सारे शेड्स के नेम भी मेंशन कर दिए हैं, जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो। ये है मेरा थर्ड आउटफिट, सेकंड वाला मैं शूट करना भूल गई। मैंने सोचा था इस वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि मैं आज कितनी वीडियो करने वाली हूँ, मतलब कितने रील्स बनाने वाली हूँ। सो जल्दी से अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आज मैं आपको अपनी रील्स वाली मेहनत दिखाने वाली हूँ कि कितनी ही करनी होती है। ये पहना हुआ है, ये रेडी टू वेयर साड़ी है, साड़ी है जो कि बहुत प्यारी है ना, और साथ में मैंने पहना हुआ है ये कड़ा, जो कि ऑलरेडी मैंने तीज पे भी पहना था। चलो जी रही थी मम्मी आपसे मिलने के लिए। मजे किए तुम, मजे किए, इतनी जल्दी आ भी गए अपना है। टिकट नहीं होता तो आज नहीं आते। सो गए, सारे काम खत्म हो गए।
एंड मम्मी भी आ गई हैं एंड मैंने ना लिपस्टिक चेंज करके जो हल्का पिंकिस था वो वाला लगा लिया था एंड स्टिल आप देख लो मैं कितने देर से काम कर रही थी अपना, इतने सारे चेंज किए कपड़े सब कुछ किया और लिपस्टिक स्टिल वैसी की वैसी ही है, काफ़ी मतलब काफ़ी अच्छा है, काफ़ी पिगमेंटेड है, लॉन्ग स्टे करती है। एंड उसके बाद खाना भी खा लिया है मैंने, खाना खाया, फ्रूटी पिया, चिप्स वगैरह खाए, बट फिर भी सो डिस्क्रिप्शन चेक करना बिल्कुल ना भूले। एंड हाँ, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले ये वाला टॉपिक था कि काफ़ी लोग कह रहे थे कि आपको किसी ने थप्पड़ मारा, आपको किसी ने यूँ किया, तो मैं आपको एक चीज़ बहुत उससे बता दूँ, मेरे को सिवाय मेरे माँ बाप के अलावा आज तक ज़िंदगी में किसी ने छुआ भी नहीं है, ठीक है, और ना कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई छू सकता है मेरे माँ बाप के सिवा। हाँ, अगर कभी ऐसी कोई गलती हुई तो मेरे सास ससुर का भी पूरा हक है, सिर्फ मेरे सास ससुर और मेरे माँ बाप और मेरे हस्बैंड का, सिर्फ मेरे ऊपर इस लेवल का हक है कि हाँ कभी, वैसे तो मैं अपने हस्बैंड को भी इतना वो नहीं, मैं बिल्कुल नहीं वो करती हूँ कि हाँ वो हाथ कभी उठा दे या वैसे कुछ, माँ बाप बिल्कुल हाथ उठा सकते हैं, जब बच्चे गलत होते हैं तो माँ बाप हाथ उठा सकते हैं। बाकी मैं आपकी गलत फहमी को दूर कर दूँ, ऐसा इस दुनिया में अभी तक तो कोई ऐसा नहीं है और जो सिवाय मेरे मम्मी पापा के अलावा आज तक किसी ने मेरे पे हाथ भी उठाया हो, तो अपनी इस गलत फहमी को दूर करें और प्लीज़ 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 मुझे हर एक नेगेटिविटी से दूर रखें, बिकॉज मुझे इन सारे झंझटों में नहीं पड़ना है, मेरे पास करने के लिए बहुत सारा काम है, बहुत 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 सारा काम है, आपके लिए बहुत सारी वीडियोस ऐसी हैं जो मुझे बनानी है, करनी है, और इन सब नेगेटिव चीज़ें, एंड गाइज ट्रस्ट मी मैंने खुद से एक प्रॉमिस किया है, अभी पता नहीं इसको कभी कि मैं ना कोई भी ऐसा नेगेटिव टॉपिक अपने चैनल पे नहीं डिस्कस करने वाली हूँ, पहली चीज़। दूसरी चीज़, मैं कोई भी ऐसा नेगेटिव थंबनेल या कुछ व्यूज़ जाए ना जाए कोई परवाह नहीं है मुझे, बट हाँ अब ऐसी कोई नेगेटिव थंबनेल नेगेटिविटी नहीं, मतलब जो सच है वीडियो में वही है। पहले थोड़ा सा मैं सच बताऊँ, मैं अपनी वो मानती हूँ कि हर एक यूट्यूबर है सोचता है थोड़ा सा क्लिक होने के लिए थंबनेल को नेगेटिव करता है, बट उससे ना इशू ही हो रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है पैसे आ जाते हैं, व्यूज़ बढ़ जाते हैं, बट एक जो एक रिस्पेक्ट होती है ना लोगों की नज़र में वो चीज़ नहीं हो पाती है। सो अब ये फैमिली पचड़े और ये फैमिली नेगेटिविटी, इन सब से हम अपने आप को करते हैं बहुत दूर और फालतू की चीज़ों में अब नहीं पड़ना है, चाहे मुझे कोई कितना भी पोक कर ले, चाहे मुझे कितना भी कुछ भी करने की कोशिश करे, हम नहीं पढ़ने वाले हैं इन फालतू से झंझटों में। एंड आपको बहुत सारे शॉर्ट्स देखने को मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलने वाली है वीडियो पे। अभी चलिए बात कर लेते हैं मेरे तीज गिफ्ट की, आप सबने काफ़ी रिक्वेस्ट किया, दीदी थोड़ा क्लोज से दिखा दीजिए, थोड़ा सा प्राइस का आइडिया दे दीजिए। एंड उससे पहले मैं पहले दिखाती हूँ, देन मैं बात करूँगी आप लोगों से। पहले मैं अपना पहला तीज गिफ्ट दिखा देती हूँ, तो ये है मेरा तीज गिफ्ट, ये है मेरा पेंडेंट जो मंगलसूत्र है। आप लोग मुझे पहले जो मंगलसूत्र पहने हुए देखते थे वो मेरी शादी का जो चढ़ा हुआ गहना होता है ना वो था, तो उसका जो ये पेंडेंट था ना वो थोड़ा सा छोटा था, तो मेरी हाइट ज़्यादा बड़ी है तो मुझे वो थोड़ा सा मतलब शुरू से छोटा लगता था, तो मैं इनको बोलती थी चेंज कराने के लिए। एंड उसके बाद मैंने चेंज करा के ये वाला लिया है, आप लोग डिज़ाइन थोड़ा सा पास से देख सकते हो, आप लोग कॉमेंट में बताना कि आपको ये वाला जो मंगलसूत्र का पेंडेंट है कैसा लग रहा है। मैंने ना ये वाला सेलेक्ट किया था, मैंने यहाँ पे साइड में इमेज दे दिया है और ये है पेंडेंट की चेन। सो पहले मैंने ये वाला सेलेक्ट किया था जो मैंने साइड में इमेज दिया हुआ है, एंड सब कुछ सेलेक्ट करके सब कुछ फाइनल हो गया था, बिल्कुल फाइनल हो गया कि हाँ हम यही वाला लेने वाले हैं, जो इमेज आप साइड में देख सकते हो, पेंडेंट भी और चेन भी। ये थोड़ा सा ना कॉस्टली पड़ रहा था, जो साइड में है ये मुझे लग रहा है चार लाख समथिंग ऐसे पड़ रहा था पूरा चेन, और ये जो चेन है ना वही दो ढाई लाख की पड़ रही थी, बिकॉज उसमें पूरा गोल्ड लगा हुआ था, तो फिर भी हमने फाइनल कर दिया था कि ठीक है हम यही देंगे। और जो मेरा पुराना वाला जो मंगलसूत्र है वो ये वाला जो मंगलसूत्र है इसको, और इसकी जो चेन है वो ये है इसकी चेन, इसको चेंज करा के और मतलब थोड़ा सा इसको चेंज करा के और फिर और आधे पैसे जो डालने पड़ेंगे और फिर हम वही वाला ले लेंगे। सब कुछ हो गया, बिलिंग के लिए गया, तो फिर जब हमने इसको दे दिया चेंज करने के लिए, जो ये आप देख सकते हो ना ये वाला जो मेरा पुराना मंगलसूत्र का ये और इसका ये, तो उन्होंने ये बोला कि जो सुनार है, उन्होंने बोला कि जो ये मोतियाँ हैं ना, ये जो मोती हैं ये तोड़ के और तब इसका जो वेट होगा तब पता चलेगा। तो मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं कर दो। फिर ये वाला जो तोड़ने के लिए ना जो पिलास वगैरह होता है ना वो लेके आए, और इसकी अभी उन्होंने एक ऐसे मोती पे ऐसे रखा,
अभी ऐसे रखा और मेरे आँख से आंसू रुक ही नहीं रहे थे, और लिटरली मतलब मैं एकदम ऐसे कांपने लग गई और बहुत तेज तेज मैं वहाँ पे शॉप में एकदम रोने लग गई। अगल बगल के सारे लोग मुझे एकदम ऐसे देखने लग गए कि सडन क्या हुआ लड़की को। और मैं उठ के खड़ी हुई, मैंने अपना मंगलसूत्र लिया पुराना वाला, चेन ली पुरानी वाली, मैंने मतलब मुझे नहीं चाहिए मंगलसूत्र, और मैं उठ के खड़ी हो गई और मैंने अपना मंगलसूत्र लेके मैं शॉप से बाहर निकलने लग गई। मेरे हस्बैंड एकदम से वो हो गए कि क्या हुआ क्या हुआ अचानक से। मैं सच में अपनी वो फीलिंग आप सभी के साथ शेयर करूँ, बात करती हूँ। बाद में मैंने अपने हस्बैंड को बताया, पता नहीं क्या हुआ था मुझे अचानक से, जब उन्होंने बोला ना कि इसको तो, तब भी मुझे कोई वो नहीं हुआ, मैंने यहाँ तक कि उनको ये बोला कोई नहीं आप ये उधर साइड में ले जाके तोड़ लो, अभी मेरे सामने मत तोड़ो, लेकिन फिर भी मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैं अपना मतलब मेरा पुराना मंगलसूत्र, मेरी शादी का मंगलसूत्र था, कि किस तरीके से मैं ऐसे सामने बैठ के और मतलब बोल दूँ कि तोड़ दो आप और मैं नया ले लूँ अपना पुराना देके, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। मैंने इनको बोला मुझे मंगलसूत्र नहीं चाहिए, आप कुछ और दिला दो, मुझे मंगलसूत्र नहीं चाहिए। तो ये भी इनका भी बिल्कुल मन नहीं था, जब उन्होंने ये तोड़ने वाली बात की थी ना तब ये भी बहुत उदास हो गए थे, बट मैं क्योंकि खुश थी नए मंगलसूत्र को लेकर तो उन्होंने मुझसे ये चीज़ शेयर नहीं की थी, बट जब उन्होंने ये तोड़ने की बात की थी तो उनको भी अच्छा नहीं लग रहा था, बट उन्होंने कुछ कहा नहीं था। पर मुझे सच में फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं मैं नहीं लूँगी, फिलहाल मैं अपना जो मंगलसूत्र मैंने छोटा सा जो डिज़ाइन है ये पसंद किया, और मतलब मैंने इस तरीके से ये वाला पसंद किया, और जो मैंने अपनी पुरानी चेन है वो इसमें वापस लगवा ली, क्योंकि उस टाइम अभी इतना बजट नहीं था कि मैं ये वाला मंगलसूत्र भी रख लूँ और दूसरा भी बड़ा ले लूँ। तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि अभी मैं फ़िलहाल अपना जो पुराना वाला चेन है वो ही इसमें लगवा लेती हूँ। काफ़ी लोगों ने कॉमेंट किया है कि आपने पेंडेंट तो इतना बड़ा इतना हैवी ले लिया, लेकिन ये जो चेन है वो बहुत पतली है, कम से कम 3 से 4 लेयर की होनी चाहिए। तो आई नो होनी चाहिए, लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए मैंने सोचा कि ये लगवा लेती हूँ, जब थोड़ा सा लगेगा कि हाँ वो तब मैं दूसरा ले लूँगी। बट इसको मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं इसको चेंज करूँ या तोड़वाऊँ या कुछ भी, और मेरा बिल्कुल मन नहीं किया। फिर मैंने अपना जो पुराना वाला मंगलसूत्र है इसको भी रख लिया और इसमें दूसरी ये पतली सी ये वाली चेन लगवा ली। सो इसलिए अब मेरे पास 3-3 मंगलसूत्र हो गया है, 1, 2 और एक मैंने ये पहना हुआ है, 3 मंगलसूत्र हो गया। ये शादी में जो पहनाया था डायमंड का ये वो है, और बाकी ये है, 3 मंगलसूत्र हो गया है। और सच में ऐसा किसी के साथ कभी हुआ है क्या कमेंट में बताना, पता नहीं मंगलसूत्र सिंदूर से लेके इतनी प्यारी सी वो होती है, अंदर से ना एकदम दिल घबरा जाता है जब इसके बारे में कोई बात करे या कुछ वो करे तो बहुत अजीब सा लगने लगता है। और सच में मेरे साथ ऐसा हुआ ना कि मतलब वो शॉपकीपर भी बोलने लगे कि आपको अचानक से मैडम क्या हुआ, तो उनका मुझे खुद नहीं समझ में आया, मैं ऐसे कांप रही थी कि नहीं मेरे को अपना मंगलसूत्र नहीं देना नहीं देना नहीं देना, ये मुझे बोलते कोई ज़बरदस्ती थोड़ी कर रहा है, नहीं देना कोई बात नहीं मत दो। फिर इसीलिए हमने सोच के ये पेंडेंट लिया, आप लोग कमेंट में बताना कैसा लग रहा है। उसके बाद इन्होंने मुझे मेरे को दिलाई ये वाली रिंग जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, इसकी भी स्टोरी है। एक दिन पहले मैं मम्मी और भाभी जब गए थे तो ये हमने पसंद कर लिया था, फाइनल हो गया था कि ये हम ले रहे हैं। फिर मैंने इनको इमेज भेजा तो इन्होंने बोला ये बहुत छोटी है, छोटी है नहीं बट इनको पता नहीं क्यों छोटी लगी, तो इन्होंने बोला कि अभी नहीं लेना कुछ और देख के ले लेंगे। तो फिर उसके बाद इन्होंने बोला तो मैंने छोड़ दिया। फिर नेक्स्ट डे जब ये गए तो मैंने इनको डिज़ाइन दिखाया तो इन्होंने बोला हाँ अच्छा लग रहा है ले लो। सो एक ये रिंग ली थी, आप लोग कमेंट में बताना। बाकी एक पायल और एक बिछुआ वो तो मैंने ऑलरेडी आप सभी के साथ शेयर किया हुआ है। सो ये है मेरा डिज़ाइन जो आपको थोड़ा सा पास से देखना था इसलिए मैंने आपको दिखा दिया। आप कमेंट में बताना जो मेरा मंगलसूत्र है वो कैसा लग रहा है। और पेंडेंट ये पेंडेंट तो बहुत सुंदर है बट थोड़ा सा चेन पतली हो गई है, कोई नहीं जल्दी चेंज करा लेंगे, इस चेन को भी थोड़ी मोटी करा लेंगे, बट फिलहाल के लिए इतना ही। सो इस वीडियो को करते हैं हम यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आई होप आपको जो भी गलतफहमी थी, जो भी फालतू की चीज़ें फैल हुई थी मेरे को लेके, वो क्लियर भी हो गई होगी इसी वीडियो में कि इतनी किसी की हिम्मत नहीं है, इतना किसी को हमने छूट नहीं दिया है, मेरे पति और मेरे परिवार में से किसी ने भी, कि कोई और मेरे पे हाथ उठाए या कुछ भी, हाथ उठाना क्या, कोई ऐसे नज़र उठा के बात भी अगर कोई बाहर वाले कर देगा ना, उसी दिन मेरे पति और मेरे सास ससुर उनको बीच में से कर देंगे उनका काम। तो मतलब मेरे यहाँ पे मतलब मम्मी पापा ये बोलते हैं खुद से तुम किसी को वो मत बोलो, बाकी बाहर वाला तुम पे कोई नज़र नहीं उठा सकता, उसके लिए हम हैं। तो बस यही सारी चीज़ें हैं, ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आई होप आपको मेरा तीज गिफ्ट अच्छा लगा होगा।